डॉक्टर नेहा जोशी और आपका स्वागत है डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में। आज मैं संडे में आपके जितने भी आपने हफ्ते भर में सवाल किए हैं उन सबका मैं जवाब दूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपना सवाल पूछने से पहले उसके आगे #myquestion जरूर लगाया करिए, अदरवाइज मुझे इंटरेस्टिंग सवाल छांटने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। आई एम वेरी वेरी सॉरी मैं आज का वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। बिना कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आपके सवालों के बारे में। अब पहला सवाल आया है मीना कंप्यूटर जी का, याददाश्त बढ़ाने के बारे में जानकारी देना। अब याददाश्त बढ़ाने के लिए देखिए बहुत सारी चीजें, ब्राह्मी टैबलेट का इस्तेमाल लोग करते हैं, शंख पुष्पी वटी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन है जिनका उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज बताती हूँ जिसको आप कर सकते हैं और जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, और ये एक्सरसाइज हर व्यक्ति को कर सकते हैं, मतलब हाउसवाइफ है, वर्किंग है, ऑफिस जाते हैं, या स्टूडेंट है, या कुछ भी, जो हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या करना है, आप अपने घर में बैठ जाएं, नॉर्मली आंखें क्लोज करके आपको बैठना है, और उसके बाद अगर आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल करिए हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ है तो अब बैठ जाइए, आंखों बंद करके मेमोराइज करिए और सारी चीजें देखिए कि आपके किचन में पहले नंबर से लेकर लास्ट नंबर तक कौन से डिब्बे रखे हुए हैं। पहले आपने मूंग दाल रखा है कि अरहर दाल रखा है, उसके बाद क्या है, उसके ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, उसके नीचे आपने क्या रखा हुआ है, इस टाइप से कौन से कलर का डिब्बा पहले है, उस कलर किस कलर का आपका ढक्कन है, उन सारी चीजों को जो आपकी डेली हैबिट वाली चीजें हैं। मतलब एक दिन आपने किचन का किया तो अगले दिन आप अपने बाथरूम को इमेजिन करिए कि मेरे बाथरूम में सबसे पहले शैम्पू रखा हुआ है, उसके बाद कंडीशनर रखा हुआ है, उसके बाद एक टंगी मैंने रखी हुई है, फिर टॉवल टंगी रहती है, उसके बाद एक खाली जगह है, स्पेस खाली है, उसके ऊपर ऐसा है, उसके नीचे ऐसा है। मतलब कि आपके डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें होती हैं उसको थोड़ी देर के लिए मेमोराइज करिए, और ये चीज आपको आंखें बंद करके करनी है, विजुलाइज करना है। मतलब अगर आप किचन के बारे में सोच रहे हैं तो बस किचन को देखिए कि बिल्कुल आपकी कैसी है। स्टूडेंट है तो आप अपनी बुक्स को रिमाइंड कर सकते हैं, स्कूल में आप रिमाइंड कर सकते हैं कि सबसे पहला स्टूडेंट कौन सा बैठा था, उसके बाद कौन सा बैठा था, थर्ड पे कौन सा बैठा था, या फिर किसी भी चीज को रैंडमली, जैसे मान लीजिए आप स्कूल से आए, बैठ जाइए और सोचिए कि आपके जितने भी टीचर्स थे, जितने भी आपके 10 टीचर है, तो 10 टीचर्स ने किस कलर के कपड़े पहने थे, एक रिमाइंड करिए उन चीजों को। या फिर अगर कोई मैडम है तो उन लोगों के पर्स किस स्टाइल में थे। कोई भी रैंडमली किसी भी चीज को सोचने की कोशिश करिए, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इससे आपकी जो मेमोरी होती है बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, साथ ही साथ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आई होप आपको इससे फायदा हो, प्लीज इसे करिएगा जरूर, और जो एक्सपीरियंस हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच इंटरेस्टिंग कमेंट के लिए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए, थैंक यू। अगला सवाल है रोहन शर्मा जी का, मैम गुदा में खुजली के उपाय बताइए। गुदा में खुजली, एनाल रीजन में इचिंग का होना, ये दो रीजन में होती है। पहला तो होती है जब पाइल्स, फिस्टुला जैसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो पाइल्स हो जाए या फिर फिस्टुला, भगंदर वगैरह जिसको बोलते हैं, ये वाली कंडीशन हो तब आपको एनाल इचिंग बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट कॉमन कंडीशन है वो है वॉर्म इन्फेक्शन का होना। आंतों के अंदर जब कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे कहते हैं ना पेट में कीड़े हो जाना, तो आंतों में जब आपके कीड़े पड़ जाते हैं तो कीड़ों की लाइफ साइकिल कुछ ऐसी होती है कि वो रहते तो आंतों में है, इंटेस्टाइन में, लेकिन वो अपने अंडा देने के लिए उन्हें एनाल रीजन पर जाना होता है। तो वो जो अंडे होते हैं वो बहुत ज्यादा इचिंग करते हैं, तो अगर आपको एनाल इचिंग की प्रॉब्लम है तो बहुत चांसेस है कि आपको वर्म इन्फेक्शन होगा, तो उसके लिए आपको स्टूल का एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। वर्म इन्फेक्शन अगर निकलता है तो ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, एल्बेंडाजॉल की टैबलेट आती है, एक टैबलेट आपको लेनी है, 400 mg की एक टैबलेट होती है, कहीं पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, और 18 साल तक के बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट साल में 2 बार खिलाई जाती है। तो अगर आप उससे बड़ी एज के हैं तो फिर शायद आपको मार्केट से खरीदना पड़े। नाम याद रखिएगा, एल्बेंडाजॉल की टैबलेट 400 mg। अगला सवाल बहुत लंबा चौड़ा है, हाय डॉक्टर मैम, हाउ आर यू, आई होप यू आर गोइंग वेल इन योर लाइफ, वगैरह वगैरह वगैरह। पानी भी क्यों तो मुझे नजला भी हो जाता है, महसूस करता हूँ मुंह का थूक भी अंदर करने में दर्द महसूस करता हूँ, ब्लड प्रेशर की गोली लेता हूँ, यूरिक एसिड की टैबलेट लेता हूँ, किडनी स्टोन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। आप इतनी सारी मेडिसिन कैसे ले रहे हैं, इतनी सारी बीमारियां आपको हैं। देखिए आपके जितनी भी आपने बीमारियां बताई हैं, ब्लड प्रेशर, यूरिक स्टोन का हो जाना, और साथ में आपको किडनी स्टोन का होना, यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ रहना,
ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ये आयुर्वेद के हिसाब से वात रोग की होती है, साथ ही साथ इसमें समान वायु की दुष्टि होती है। समान वायु का काम क्या होता है, हमारे शरीर की जो जितने भी पौष्टिक चीजें हैं उनको शरीर के अंदर रखना और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको शरीर से बाहर निकालने का काम समान वायु का करता है। तो यूरिक एसिड बढ़ रहा है, मतलब यूरिक एसिड क्या है, बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, इसको यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकलना चाहिए था लेकिन ये बाहर नहीं निकला बल्कि शहर में अपने शरीर में ही रह गया, तो ये समान वायु की दुष्टि होती है। ठीक इसी तरीके से स्टोन पत्थर जो बन रहे हैं आपके, पत्थर यूरिक एसिड के ही होते हैं ज्यादातर, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इनको शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं निकले, शरीर के अंदर रह गए। तो ये वाली जो दुष्टि होती है ये आयुर्वेद के हिसाब से समान वायु की दुष्टि होती है। समान वायु को ठीक करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है, वो है हिंगवास्टक चूर्ण। हिंगवास्टक चूर्ण को आप गर्म घी के साथ अपने खाना खाने के साथ में आप इसका प्रयोग करें तो आपको फायदा होगा। दूसरी जो आपने कंडीशन बताई है, जो गले में आपको प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज उसके लिए एक इंडोस्कोपी करवाएं, क्योंकि आपने बताया कि आपको नजला जुकाम जैसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपने लिखा है नजला भी नहीं है, साइनस भी नहीं है, फिर भी गले में दर्द है, तो उसके लिए प्लीज इंडोस्कोपी करवाएं, क्योंकि बहुत चांसेस है कि आपके गले में या तो थायराइड में या फिर इसोफेगस में किसी तरीके की कोई ग्रोथ है जिसकी वजह से आपको निगलने में तकलीफ हो रही है। तो प्लीज आप इंडोस्कोपी करवाएं, उसके बाद जो रिपोर्ट हो वो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस जो है वो हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया रहता है, आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू कमेंट के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला लिखा है किसने, ब्रॉक एरर। बचपन में छत से गिर गया था तो मेरा जबड़े वाली हड्डी डायरेक्ट जमीन पर टकराई। ओ शिट, बहुत ज्यादा चोट लगी होगी। और मेरा मुंह धीरे धीरे बंद होने लगा, एक बार मैंने ऑपरेशन करवाया था लेकिन अब फिर से बंद होने लगा है। आपके जो जबड़े की हड्डी है यहाँ पर आपको फाइब्रोसिस हो रही है। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी जब कोई कट लगता है उसके बाद जो शरीर की हड्डियां या फिर मांसपेशी आपस में जुड़ती हैं तब वहां पर कुछ चीजें ना टाइट हो जाती है, तो टाइट होने वाली कंडीशन है वो फाइब्रोसिस कही जाती है। बहुत ही सिंपल सी आपको होम रेमेडी बताऊंगी जिसे आप कर सकते हैं और 101% आपको फायदा होगा। आपको क्या करना है, एक ग्लास गर्म पानी, उसमें डालना है 4 चम्मच तिली का तेल। ठीक है, तिली का तेल डालना है आपको, एक ग्लास अच्छा गर्म पानी लें और 4 चम्मच उसमें तिली का तेल डाल दें। साथ में इसमें आधा चम्मच तक या आधे चम्मच से थोड़ी कम अमाउंट तक, 1/3 अमाउंट तक आप इसमें नमक डाल दें। इसके बाद इस पानी को आपको उसके कुल्ला करना है। कुल्ला करने का मतलब क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए मुंह में भरना है, जैसे आपने पानी पिया और भर लीजिए। इस तरीके से आपको अपने गले में हिलाना है। सॉरी अगर आप लोगों को फनी लग रहा हो, बट इम्पोर्टेंट है यार, डॉक्टर को बताना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आपको अपने गले में उस पानी को हिलाना है और हिलाने के बाद में इस पानी को थूक दें और फिर इसी तरीके से बार बार कम से कम 5 से 10 मिनट को करना है। इंग्रेडिएंट याद रखें, इसके अलावा आपको कुछ ऐड नहीं करना है। आपको पानी लेना है, 4 चम्मच तिली का तेल लेना है और 1/3 स्पून तक आपको नमक लेना है। और इस तरीके से आप दिन में 2 बार एटलीस्ट करना पड़ेगा, सुबह शाम, और 1 बार में कम से कम 5 मिनट करना है। अगर 2 बार कुल्ला किया और थूक दिया तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप 5 मिनट करेंगे तो आपकी जो जबड़े की जो मसल्स है पूरी तरीके से ढीली हो जाएंगी, जो वहां फाइब्रोसिस हो गई है, टाइटनेस आ गई है, वो भी खत्म हो जाएगी और मैं गारंटी देती हूँ कि आपको फायदा होगा, 101% फायदा होगा। मतलब इतने ऑपरेशन में आप लोग पैसा वेस्ट करते हैं ना, 4 चम्मच तिली का तेल सफिशियंट है। महीने भर का अगर आप महीने भर भी करते हैं ना तो 100 रुपए का खर्चा आएगा आपका। इफेक्टिव है, करिएगा जरूर। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है हरेंद्र कुमार जी का। मैम, हिमालय ब्राह्मी टैबलेट के क्या यूज है, क्या ये मेमोरी इंप्रूव करने के लिए है, मैं ले सकता हूँ, क्या कंडीशन है यूज करने की? ब्राह्मी टैबलेट को अगर आप जनरली लेना चाहते हैं तो याददाश्त बढ़ाने के लिए लोग लेते हैं, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में से टाइफाइड में बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। अगर जिनको पुराना बुखार रहता है, खासतौर से इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन रहता है, वहां पर ब्राह्मी टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। शायद आपने सुना भी नहीं होगा ये चीज, क्योंकि लोग ब्राह्मी को सिर्फ दिमाग से रिलेटेड करते हैं। एक बात याद रखिएगा, ब्राह्मी और शंखपुष्पी दोनों दिमाग से रिलेटेड है लेकिन दोनों के फंक्शन अलग होते हैं। ब्राह्मी जो होती है वो ठंडी होती है, तो ऐसे लोग जिन्हें मतलब मेंटल पावर डलनेस है, लेजीनेस रहती है, वहां ब्राह्मी टैबलेट अच्छा काम, वहां शंख सॉरी जिन्हें डलनेस रहती है वहां पे शंखपुष्पी टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जहां डलनेस नहीं है, व्यक्ति बहुत मेहनती है लेकिन फिर भी उसको याद नहीं रह पा रहा या फिर दिमाग उतना काम नहीं कर रहा, उस कंडीशन में ब्राह्मी अच्छा काम करती है। मतलब मेमोरी के लिए 2 टैबलेट हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, ब्राह्मी शंखपुष्पी बहुत कॉमनली है। याद रखिएगा डिफ्रेंशिएशन, अगर लेजीनेस है कि काम करने में ही मन नहीं लगता है
तो फिर तो आपको ये दोनों कंडीशन मैंने बताई, इस हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है, एक ब्राह्मी का और एक जंक पुष्टि का।